कूलर को लॉन्च करने का हमारा सबसे बड़ा मेन मोटिव ये था कि जो डक्टिंग है, डक्टिंग की नीड खत्म हो जाए, प्लस अपनी वाटर की कंजम्पशन कम है, प्लस इसमें पावर की कंजम्पशन कम है, और सबसे अच्छी इसकी ब्यूटी क्या है कि ये मेंटेनेंस फ्री प्रोडक्ट है। जैसे कि आप अपने घर के एसी के फिल्टर क्लीन करते हैं, वैसे सिर्फ इसके फिल्टर क्लीन करने हैं। अगर आपका बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे आपको एयर कूलिंग फ्रेश एयर चाहिए, तो उसके लिए हम लोग मोबाइल फैन यूज कर सकते हैं। फीचर क्या है, ये पावर सेविंग तो करता ही करता है, प्लस इसमें शटर्स लगे हुए हैं, जैसे ही हवा अंदर से चलेगी एग्जॉस्ट होगा तो इसके शटर ओपन हो जाएंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू फर्स्ट फोकस 2024। और आज यहां पे लगा है प्लास्टिक से रिलेटेड कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन। एंड आज आपको मैं लेके पहुंचा हूं यहां पर ऐसी कंपनी के पास जो कि इंडस्ट्रियल एयर कूलिंग में आपका कंप्लीटली मैन्युफैक्चरिंग करती है। इंडस्ट्रियल से बात करें तो कंप्लीट रेंज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कूलिंग में, और पूरा प्रोडक्शन के साथ साथ इनको सारा चीज इनके बारे में दिखाई जाएगी, किस तरीके की इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, किस तरीके के प्रोडक्ट रहेंगे, और किस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ आपको ये सर्विसेज भी देते हैं। अब शुरू करते हैं, बात कर रहे हैं डायरेक्ट कंपनी के ओनर से। सो हाय सर। हेलो सर। सो प्लीज इंट्रोडक्शन देंगे अपना और बताएंगे कि आप लोग किस प्रोफाइल में हैं, किस इंडस्ट्रीज में हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश गोयल और मेरी कंपनी का नाम सैनर्जी सिस्टम। ओके। हम लोग फरीदाबाद बेस्ड कंपनी है और हम लोगों का मेन मोटिव इंडस्ट्रियल एयर कूलिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। हम लोग इंडस्ट्रियल एयर कूलिंग में तीन पार्ट होते हैं बेसिकली, कूलिंग ऑफ फ्रेश एयर, जिसके लिए कि हम अलग अलग तरह कूलर देते हैं। ये मेरी एक रेंज है मोबाइल कूलर्स की, जिसमें कि मेरे पास अलग अलग मॉडल आते हैं। बाद मेरे पास इंडस्ट्रियल कूलर्स की रेंज है जो कि एक कूलर 1 किलोवाट की एनर्जी पे 1500 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है। ओके। और उसमें पानी कंजम्पशन भी बहुत कम है। उसके बाद हमारे पास सर्कुलेशन के लिए पंखे हैं, मोबाइल फैंस हैं हमारे पास अलग अलग तरह के, फिर हमारे पास हेलीकॉप्टर फैन है जिसको कि मार्केट में HVLS फैन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारे पास एग्जॉस्ट फैन की कंप्लीट रेंज है जो अंदर की हीट होती है उसको रिमूव करने के लिए। तो इस तरीके से हम कंप्लीट एयर कूलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में अगर कोई भी किसी को भी इस तरह का रिक्वायरमेंट है तो आपको इन हाउस सारी फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल मिलेंगी। हमारे पास हर तरह की इन हाउस फैसिलिटी मिलती है, तो हम लोग कंप्लीट डिजाइनिंग से लेकर कंप्लीट टर्न की सॉल्यूशन देते हैं इंडस्ट्री में। वेरी नाइस। सो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं, और सर के काफी यूनिक तरीके के जो भी है सिस्टम्स हैं यहाँ पर कूलिंग सिस्टम, और बात करेंगे इनके कंपनी के बारे में और भी प्रोडक्ट हैं जितना यहाँ पर दिया है सारा आपको एक एक करके दिखा देते हैं। और कॉन्टेक्ट नंबर आपको मैंने बोला इनका वीडियो के ऊपर मिल जाएगा, और इनकी फैक्ट्री का भी बात कर लेंगे अगर आप फैक्ट्री भी विजिट करना चाहते हैं उसके लिए भी फैसिलिटीज क्या रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके जाएं, क्योंकि अब आने वाले टाइम में समर्स आने वाला है तो काफी ज्यादा लोगों को इस चीजों की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। इस तरह की वीडियो को ज्यादा शेयर करें, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा डक्टलेस कूलर है जिसमें कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1 किलोवाट की पावर कंजम्पशन पे 1500 स्क्वायर फीट का एरिया ठंडा करते हैं। इस कूलर को लॉन्च करने का हमारा सबसे बड़ा मेन मोटिव ये था कि जो डक्टिंग है, डक्टिंग की नीड खत्म हो जाए, प्लस अपनी वाटर की कंजम्पशन कम है, प्लस इसमें पावर की कंजम्पशन कम है, और सबसे अच्छी इसकी ब्यूटी क्या है कि ये मेंटेनेंस फ्री प्रोडक्ट है। जैसे कि आप अपने घर के एसी के फिल्टर क्लीन करते हैं, वैसे सिर्फ इसके फिल्टर क्लीन करने हैं और इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। बेसिकली यही रहता है कि सर मेंटेनेंस के लिए काफी ज्यादा इश्यूज रहते हैं, तो मेंटेनेंस फ्री कर रखा है। मेंटेनेंस फ्री प्रोडक्ट है सर। और इसमें सर बात करें इसका कि इंडोर रहता है आउटडोर रहता है प्रोडक्ट? सर ये कंप्लीट यूनिट मेरी आउटडोर रखी जाएगी, और सिर्फ इतना सा पोर्शन मेरा इंडोर आएगा जो कि 1500 स्क्वायर फीट में पूरी एयर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, तो ये कितना ज्यादा मतलब एरिया के लिए सफिशियंट रहता है? सर ये मिनिमम 1500 स्क्वायर फीट के लिए रहता है, उसके बाद अगर आपको ज्यादा करना है तो मेरे पास इसमें बड़े कूलर भी आते हैं, और ऑल द वी कैन गो फॉर अ नंबर ऑफ कूलर। ठीक है, तो ये आपके पास मिनिमम साइज है या से छोटा साइज अवेलेबल है? ये सबसे छोटा साइज है, इससे बड़े साइज अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज की बात करें जाए तो मैक्सिमम कितना ये आपका जो टेम्परेचर को मेंटेन करके एक्सपोज कर लेता है? सर इसमें गर्मियों की अगर मैं पीक समर में बात करता हूँ तो इंडस्ट्री का 10 से 12 डिग्री का टेम्परेचर ड्रॉप कर देता है एज कम्पेयर टू एम्बिएंट टेम्परेचर। सर आपने कुछ लोगों में लिखा हुआ है कि सेव एनर्जी, तो उससे रिलेटेड कुछ मेरे को बताएंगे आपने? सर अगर मैं एनर्जी सेविंग की बात करता हूँ तो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट 10,000 CFM एट 1 किलोवाट ओनली। अगर मैं अपने ट्रेडिशनल सिस्टम में जाता हूँ तो उसमें 3 किलोवाट की एनर्जी लगती थी, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हम एनर्जी बचा रहे हैं। 1 घंटे में 2 यूनिट मिनिमम बचा रहे हैं अगर इसी साइज में हम कंपेयर करते हैं। मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव होने के साथ साथ सेव नेचर भी कर रहे हैं? बिल्कुल सर, वी आर सेविंग नेचर। ठीक है, हमारे पास ये मोबाइल फैन है, अगर आपका बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे आपको एयर कूलिंग फ्रेश एयर चाहिए तो उसके लिए हम लोग मोबाइल फैन यूज कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जैसे जैसे आपकी लाइन मूव हो रही है, आज आप इसको यहाँ पे रख के चला रहे हैं तो कल इसकी डायरेक्शन इस तरीके से घुमा के तो आप इसको मूव कर सकते हैं कहीं भी। ये मूवेबल है मेरा फैन पूरे का पूरा। और वेट वाइज देखा जाए तो हल्का ही रहता है? सर वेट वाइज सब हल्के हैं। और सेफ्टी पर्पज से देखा जाए तो सेफ्टी इश्यू तो नहीं आता कोई? सर सेफ्टी पर्पज से हमारे टोटली इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली इनको बैलेंस करके हम सिस्टम को दे रहे हैं, इनमें सेफ्टी का कोई भी इशू नहीं है सर आपको। ठीक है, और साइज इसमें कौन से रहेंगे? सर साइज इसमें 5 फीट का साइज आता है, इससे बड़ा 6 फीट का साइज आता है हमारे पास। ठीक है, और कलर जो आपने कस्टमाइज थोड़े कर रखे हैं ये रह सकते हैं? कस्टमाइज हमने इस हिसाब से किए हुए हैं बिकॉज इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है तो वहाँ पे कलर काला हो जाता है, इसलिए हमने पहले से ही काला दिया सो दैट इस पे अगर काला रंग लगे तो ये गंदा नहीं दिखे। और
और ये बेसिकली बात करें तो ये रुक गए, इसको हैंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, इसको हैंग भी कर सकते हैं किसी भी हाइट पे, अपने को सिर्फ पीछे से फैशियर मिलती रहे तो उस हाइट पे इसको हैंग कर सकते हैं हम लोग। तो ये भी सफिशिएंट रहता है इस सेम एरिया के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये उससे बड़े एरिया के लिए, इनफैक्ट 2500 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए एक पंखा, और सिर्फ 1 HP पे चल रहा है 750 वाट पे, 4 घंटे में 3 यूनिट लेगा बिजली की। तो कंप्लीट आपका इनहाउस मैन्युफैक्चरिंग है सर? कंप्लीट हमारा, हम लोगों का इनहाउस मैन्युफैक्चरिंग है। ये HVLS फैन है, HVLS फैन है हाई वॉल्यूम लो स्पीड फैन। पहले के जमाने में क्या होता था, लोग पंखे लगाते थे 50 पंखे 100 पंखे एक फैक्ट्री में लग रहे हैं और उसकी पावर कंजम्पशन आती थी अपनी 25 किलोवाट 30 किलोवाट। तो अपना ये हाई वॉल्यूम लो स्पीड फैन है, बहुत ही स्लो स्पीड पे चलता है और एक पंखा अप्रोक्सीमेटली 16000 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है। तो अगर मैं उसके हिसाब से देखता हूँ तो इसकी पावर सेविंग बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू 25 किलोवाट, ये सिर्फ 1 किलोवाट 1.5 किलोवाट में चल रहे हैं। और स्पेस किसके लिए बात करें कि स्पीड वगैरह इसकी कैसे रहती है सर? सर स्पीड इसकी सिर्फ और सिर्फ 52 RPM रहती है। ठीक है, और सेफ्टी वाइज पे हैंग करने का प्रोसेस? सेफ्टी वाइज वी आर टेकिंग अ 3 टायर ऑफ सेफ्टी। सबसे पहले तो हम इसमें ब्लेड के अंदर से वायर डालते हैं, फिर आप ये देख रहे हैं सर डायगनल में, ये डायगनल में हम वायर देते हैं और फिर ऊपर से जो चासी होती है उसको माउंट करते हैं सर हम लोग। तो मतलब ऐसा कोई इशू नहीं आता? ऐसा कुछ भी इशू नहीं है सर, हमने बड़ी बड़ी कंपनीज में लगाया हुआ है तो पंखे का कहीं भी कोई इशू नहीं है सेफ्टी का। तो अगर हम ये कभी डेमो देखना चाहे तो कहीं पे एग्जीबिशन होने वाला है आपके आगे? सर अभी नेक्स्ट वीक में एग्जीबिशन है तो उसमें आप देख सकते हैं, ऑल्दो यू आर वेलकम टू आवर फैक्ट्री, तो वहाँ पे आप डेमो देख सकते हैं। अगला प्रोडक्ट एग्जॉस्ट फैन है, इसके सबसे बड़े फीचर्स क्या है, ये पावर सेविंग तो करता ही करता है, प्लस इसमें शटर्स लगे हुए हैं, जैसे ही हवा अंदर से चलेगी एग्जॉस्ट होगा तो इसके शटर्स ओपन हो जाएंगे और इसके बैक में वायर मेश लगा हुआ है, सो दैट अंदर कोई भी बर्ड वगैरह एंटर नहीं कर सके। साइज की बात करता हूँ तो इसमें हमारे पास 24 इंच से लेकर 54 इंच तक के हर 6 इंच पे साइज आता है। आप ये देखेंगे इसमें शटर्स ओपन हो गए और जो इसके ब्लेड्स हैं ब्लेड SS के बने हुए हैं, प्लस इसमें पुली लगी हुई है और फिर हम लोग इसमें इंडियन मोटर प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको यहाँ पे। सर इसके बाद हमारे पास मोबाइल कूलर्स की रेंज है। मोबाइल कूलर्स का बेनिफिट क्या होता है सर, जब हम बात करते हैं कि अपनी लाइन चेंज हो रही है या अपने को प्लांट में आज यहाँ पे सिस्टम लगाना है वहाँ पे सिस्टम लगाना है, तो हमारे पास ये मोबाइल सिस्टम है FRP बॉडी में, 3-ply में हम FRP बना रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आप इस पर लात मारते हैं आपकी लात टूट जाएगी बट कूलर नहीं टूटेगा, हम लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं कूलर के ऊपर। तो ये मतलब ये भी कमर्शियल है? यस यस, को ये कमर्शियल प्लस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है सर। अच्छा, और इसकी फैंस वगैरह की स्पीड्स वगैरह कैसे मेंटेन करते हैं? सर ये 3 स्पीड में होता है अपना, 3 स्पीड की मोटर होती है इसमें और फैंस है सर इसके अंदर, और ये विंग्स लगे हुए हैं एयर को एडजस्ट करने के लिए, यू कैन एडजस्ट इन एनी डायरेक्शन। अब ऐसे आने वाले टाइम में समर आ रहा है तो डायरेक्टली आपके पास कंप्लीट इंडस्ट्रीज रिलेटेड सब आने वाले टाइम के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है, तो समर के लिए वी आर रेडी टू वेलकम समर। ठीक है, तो अगर बात करते हैं सर B2B के लिए या किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट खरीदने के लिए कोई कनेक्ट करता है तो आप कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेंगे आप लोगों के? सर अगर हमसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो मेरी कंपनी में डायरेक्ट विजिट कर सकता है, मेरी कंपनी का नाम सिनर्जी सिस्टम्स है, हम लोग IMT फरीदाबाद बेस्ड हैं। अगर आप लोग हमसे मोबाइल पे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर 9711159834 और दूसरा नंबर 9899461273। और आप लोग हम लोगों कंपनी की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.synergycooler.in। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस, वेलकम सर।